गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 6:30 बजे उठते हैं। आज जाएंगे हम अपने वापस जाएंगे हम उठेंगे और फिर अपनी तैयारी करते हैं। लगे टिक्की और हम जा रहे हैं अब वापस कोटद्वार के लिए। हाँ क्या मार दूं बाबा, तो सब लोग हमसे आए मिलने, हम जा रहे हैं वापस। माजी लाई हमारे पानी भर के, ठंडा ठंडा पानी, ये देखो ये। और हम जा रहे हैं माजी से मिलके वापस। ठीक है, पढ़े कर बाबू, तो बहुत बड़ा हो गए ना। ठीक है बाबू, पढ़े कर नहीं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो नीचे प्लेन से धीरे नदी सी, ये है हमारा बागवान और इसी से आगे जाता है श्रीनगर और थोड़ा ऊपर जो चोटी दिख रही है वहाँ पे है पौड़ी और घुड़दौड़ी बाजार, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज जा रही है। देखो कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं अभी और सारा इलाका कितनी ऊँची चोटी पर बसा हुआ है। ये देखिए कितनी ऊँची चोटी पर अभी लोग हम लोग आए हुए हैं। ये जो है दो तरफ का है पहाड़ी, की इस तरफ एरिया है पहाड़ी की, दूसरी तरफ एरिया। थोड़ी देर दिखाता हूँ आपको, देखो कितना ऊँचा लग रहा है देखिए, और सामने ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर बुग्याल जैसा होगा। हम चोटी में गांव में, इसका नाम है डांडा, डांडा मतलब चोटी और डांडा में बसा है डांडा गांव। बहुत ही ज्यादा ऊंचाई बसा है डांडा गांव गाँव और यहाँ का जो प्रसिद्ध झाली वाली माता का मंदिर। ये देखो ये सामने जा रहा है चकोर, देखिए ये देखिए दो चकोर है पूरी जोड़ी जा रही है। ठीक है कैसे टहल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है चकोर। हमने पहाड़ी बदल दी और हम आ गए पहाड़ी की दूसरी तरफ। पूरा का पूरा इलाका देखिए, पूरा पूरा का इलाका जो गांवों से भरा हुआ है पूरे, और कहाँ कहाँ विकास की जो डोर है, सड़क को कहाँ पहुंची हुई है। और सामने आपको दिख रहा है चंद्रमादी माता का मंदिर दूसरी तरफ से, देखिए कितनी ऊंचाई पे है हम लोग अभी, जो कि क्रूज के कोने पर खड़े होकर जो हाथ फैलाए करते थे, ऐसे ही इसी एरिया को देख के लगता है। देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है। छोटा सा मार्केट देवप्रयाग ब्लॉक का मुख्यालय हिंडोला का। ये खड़े हम संगम के ऊपर, देखिए एकदम सामने से आ रही अलग गंगा और भागीरथी के आदमी में अलग कलर में बहती नदियाँ, थोड़ी काले कलर में है वो अलग गंगा आदि हुए हैं, हरे कलर में हुए हैं भागीरथी, उसके पीछे जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है गंगा जी का मंदिर। ये चल रहे हैं हम एकदम गंगा जी के किनारे किनारे के, देखो पूरा इसके साथ में जल्दी गंगा जी नदी चल रही है। और ये चल रहे हैं हम, और ये मेरी गाड़ी हो गई है बंद, फिर से कर दिए स्टार्ट और फिर चल पड़े हैं हम नदी के किनारे किनारे, और जहाँ तक नदी चलेगी वहाँ तक हम भी चलेंगे। यहाँ से ब्यास घाट 8 किलोमीटर आगे पहुँचे हैं हम ब्यास चट्टी में, और ये आपको दिख रही है एकदम काली काली सी, और एकदम जो नदी नदी है गंगा नदी, और ये मिली इसमें नया नदी जो निकलती दूधातोली से और वाया सतपुरी आती है यहाँ पे, और जगह है ब्यास चट्टी। सफर के बाद हम सब थक गए हैं और भूख के मारे इनके हाल है बेहाल, देखो एक बेचारी वो लेटी हुई है सो रही है भूख के मारे, और अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए।
ये आए हम होटल पर खाना खाने के लिए। देखो कितना बम्पर डॉगी यहाँ पे, कितना बड़ा। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार, और जहां आप टेम्परेचर था वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस है पहाड़ों में, और यहां पे बह रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मी के मारे हाल बुहाल है सभी के। हम सब बैठ गए गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के हम जा रहे हैं आप मूवी देखने के लिए। ये सब पूरी हमारी फैमिली है तैयार, और हम जाएंगे मूवी देखने के लिए, द ग्रेट सम्राट पृथ्वीराज चौहान। भैया आए हम मूवी देखने के लिए, पृथ्वीराज चौहान। हम आ गए हैं सिनेमा हॉल में, और अब जा रहे हैं एंट्री करेंगे। ये सार्थक खड़ा है टिकट विंडो पे और टिकट ले रहा है यहाँ से, उसके बाद हम एंट्री करेंगे सिनेमा हॉल। ये घुस के लिफ्ट के अंदर हम जा रहे हैं सिनेमा हॉल के अंदर। ये देखो ये छुपी हुई, और ये आ गया है हमारा सिनेमा हॉल का एंट्री गेट। आते ही टूट पड़े हैं दोनों को सिनेमा हॉल के लिए, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें के लिए। हमारे आते ही जैसे उनके हॉल यहाँ पे जो है खड़े हो गए। मूवी से आने के बाद हम सब खा रहे हैं आइसक्रीम, कोल्ड कोल्ड आइसक्रीम। बहुत ठंडा था पर यहाँ बहुत गर्म है। अब हम आइसक्रीम खा के गर्मी को ठंड में बदल रहे हैं। और आज की मैराथन पारी खेलने के बाद हम लोग पहुँच गए घर। ये हम लेट गए बिस्तर में, और हमको आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ड्राइव किया, बहुत एंजॉय किया हमने। और फिर अब हम सोने वाले हैं, और मिलेंगे अब तक नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर बाय बाय, टेक केयर।